मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सर्प रक्षक बचा रहे हैं सांपों को। सर्पों को रेस्क्यू कर सुरक्षित छोड़ा जा रहा है जंगलों में। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटा, अजमेर। धोलावटा इलाके में रामदेव मंदिर के पास वेल्डिंग की दुकान में एक सांप घुस आया, जिससे आसपास के लोग भयभीत हो गए। सांप को पकड़ने के लिए मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सर्परक्षक विजय यादव को कॉल किया गया। सर्परक्षक यादव अपने साथी प्रीतम सहित तत्काल मौके पर पहुंचे और वेल्डिंग की दुकान के स्क्रैप में छुपे एक 5.5 फीट के स्पेक्टिकल कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। दो अलग अलग स्थानों से कोबरा सांपों को रेस्क्यू किया, जिनमें एक देर रात्रि में एक धोलावटा रामदेव मंदिर के पास में वेल्डिंग की एक दुकान है, जिसमें कोबरा सांप घुस गया था, जो कि 5.5 फुट का एक कोबरा था जो स्क्रैप के अंदर छुप गया था। उसे हमने सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया और उसे बाहर निकाल करके सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त आज मुकेश रावत के घर के अंदर एक सांप घुस गया था, जिसकी हमें सूचना मिली। हमने वहाँ जा करके देखा तो एक सांप था जो कि उनके टाइल्स के अंदर घुस गया था, जिसे हमने सुरक्षित रूप से रेस्क्यू करके बाहर निकाला। यह एक बेबी स्पेक्टिकल कोबरा था, जो कि काफ़ी ख़तरनाक सांप होता है, उसे भी रेस्क्यू कर लिया और सुरक्षित रूप से पहाड़ी में छोड़ दिया। दोनों ही सांपों को वन विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षित रूप से पहाड़ी में छोड़ दिया। इसी तरह कल्याणीपुरा निवासी मुकेश रावत के घर में एक सांप घुस गया, जिसे घर में बच्चे भयभीत हो गए। उसे भी सर्परक्षक विजय यादव ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। सर्परक्षक यादव ने अपील की है कि आम जन को प्रकृति के संरक्षण के लिए इन सरी सर्पों को मारने या नुकसान पहुंचाने के बजाय तत्काल इनके बचाव हेतु हमारे मिशन स्नैक बाइट दैट फ्री इंडिया का सहयोग करना चाहिए, ताकि सरी सर्प प्रजातियों को बचाया जा सके, जिससे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हुए प्लेग जैसी महामारियों से बचा जा सकता है। सर्परक्षक ने दोनों सांपों को वन विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षित उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। हमारे घर में कोबरा सांप घुस गया था, तो विजय यादव जी को बुलाया था हमने, उन्होंने सांप पकड़ लिया है, बच्चे बच्चे सब डर रहे थे, उन्होंने पकड़ के उसको रेस्क्यू कर लिया है और अब सही है सारा।